मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के अंतर्गत जिला स्तरीय पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। प्रभारी मंत्री ने उत्कृष्ट कार्यों के लिए अधिकारियों को किया सम्मानित। इंदौर में आयोजित मध्य प्रदेश वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में जिले के खिलाड़ियों ने लहराया परचम। महिला लिफ्टरों ने गोल्ड मेडल सहित ब्रॉन्ज मेडल जीता। राज्यसभा सांसद प्रकाश जावड़ेकर द्वारा प्रदत्त राशि से निर्मित संत रविदास समाज के सामुदायिक भवन का हुआ लोकार्पण। बड़ी संख्या में शामिल हुए सामाजिक सदस्य। और गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर बड़े गुरुद्वारे में लगा श्रद्धालुओं का तांता। माथा टेक कर लिया आशीर्वाद, गुरु के अटूट लंगर में ग्रहण किया प्रसाद। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस कार्यक्रमों की श्रृंखला में प्रदेश के किसान कल्याण एवं कृषि विकास और छिंदवाड़ा जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल के मुख्य आतिथ्य और जनप्रतिनिधियों की गरिमामय उपस्थिति में सोमवार की शाम को कलेक्टर कार्यालय के सामने स्थित मैदान में मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के अंतर्गत जिला स्तरीय पुरस्कार वितरण कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री कमल पटेल द्वारा एडीएम ओपी सनोडिया व संयुक्त कलेक्टर अजीत तिर्की के साथ ही सभी एसडीएम सीएमओ व सीईओ जनपद पंचायत सहित अभियान के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले कुल 281 अधिकारी कर्मचारियों और अन्य व्यक्तियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री ने संत आसाराम गौशाला के लिए 284,000 की राशि का चेक और 3 हितग्राहियों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत रसोई गैस कनेक्शन भी प्रदाय किए। इस दौरान कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन, पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी हरेंद्र नारायण, जिला आपदा प्रबंधन समिति के सदस्य विवेक साहू, दौलत सिंह ठाकुर, नगर पालिक निगम के नेता प्रतिपक्ष विजय पांडे व संतोष पारिक सहित सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी, रोहित पोफली व अंकुश शुक्ला सहित अन्य जन प्रतिनिधिगण, गणमान्य नागरिक, पत्रकार साथी और आमजन उपस्थित थे। बोली भारत माता की, भारत माता की। मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के इस जिला स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह में उपस्थित हमारे आपका आभार व्यक्त करूंगा कि आप दोनों के नेतृत्व में आज छिंदवाड़ा मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान में नंबर 1 पर आया। क्योंकि छिंदवाड़ा में अगर सबसे ज्यादा आवेदन आए और स्वीकृति हुई है तो कहीं ना कहीं पहले हम लोग से गलती हुई थी कि हम इन लोगों के नाम जोड़ नहीं पाए, लेकिन आज अवसर मिला और अवसर को हमने बनाया और छिंदवाड़े को प्रथम लाया है। मैं एक बार फिर से आप सभी का भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, क्योंकि हमें हमारे प्रभारी मंत्री जी को भी सुनना है और माननीय प्रभारी मंत्री जी का, कलेक्टर साहब का और सभी अधिकारी कर्मचारियों का बहुत बहुत आभार, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। रूप 14 दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, देव उठनी 11 और आज देव दीपावली। तो जितने भी दीपावली के उत्सव है उन सब की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और दीपावली का पर्व अंधेरे से प्रकाश की ओर, विजय की ओर, अन्याय से न्याय दिलाने की खुशी में मनाया जाता है। आप सबने भी, हमारे जितने भी छिंदवाड़ा जिले के कलेक्टर सहित, एसपी सहित, सीओ सहित, सीएमएचओ सहित, जितने भी हमारे जिले के विभाग अध्यक्ष हैं, हर विभाग के जितने भी विभाग हैं, हमारे सबके विभाग प्रमुख सहित नीचे के कर्मचारी तक, आपने भी जनता को न्याय दिलाने के लिए उनके घर घर जाकर समस्याएं सुनी, समस्याओं के आवेदन ऑनलाइन करवाए और उसका निराकरण करके लोगों को राहत देने का काम किया है। 5.5 लाख समस्याओं का आपने निराकरण किया है, इसलिए आज आप सबका हम अभिनंदन करने, सम्मान करने, आपको प्रोत्साहित करने, अच्छे काम करने वालों की पीठ थपथपाने, प्रोत्साहित और सम्मान अभिनंदन करना और गलत काम करने वालों को दंडित करना जब तक समाज के अंदर नहीं होगा, समाज की व्यवस्था नहीं सुधरेगी। इसी प्रकार प्रशासन और शासन में भी
अच्छे काम करने वालों को प्रोत्साहित और गलत करने वालों को दंडित नहीं करेंगे, व्यवस्था नहीं सुधरेगी। आपने बहुत ही पुण्य का कार्य, अच्छा कार्य, जनता की सेवा का कार्य। BOM कुंडा श्रीमती सरिता साहू जी, इंडियन बैंक मैडम, श्री सौरभ सिंह जी, जमतवाड़ा स्वास्थ्य विभाग पाल भारत जी, प्रधान शिक्षक सनआईटी छिंदवाड़ा, संलग्न कार्यालय कलेक्टर, कार्यालय सहायक लोक सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर वंशी जी, सहायक ग्रेड थ्री जी, डाटा एंट्री ऑपरेटर संलग्न, इसके उपरांत श्री सिराज राज खान जी, डाटा मैनेजर जिला पंचायत राजपूत जी, बलराम राजपूत जी। मध्य प्रदेश वेटलिफ्टिंग यूथ जूनियर सीनियर महिला पुरुष चैंपियनशिप 5-6 नवंबर को मध्य प्रदेश वेटलिफ्टिंग संघ के तत्वाधान में इंदौर कॉरपोरेशन वेटलिफ्टिंग संघ के द्वारा इंदौर में आयोजित हुई, जिसमें 21 जिले के 210 खिलाड़ियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में जिले के खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जीतकर जिले का नाम रोशन किया। जिला वेटलिफ्टिंग संघ के सचिव रविकांत अहिरवार से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला वेटलिफ्टिंग टीम ने संघ अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह बैस के नेतृत्व में भाग लिया, जिसमें महिला वर्ग में पूजा तिवारी ने 64 किलोग्राम वजन वर्ग में गोल्ड मेडल, मनीषा मंडरा ने 87 किलोग्राम वजन वर्ग में गोल्ड मेडल व सुमन तांडेकर ने 59 किलोग्राम वजन वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीता। वहीं यूथ पुरुष वर्ग में यश चौहान व सीनियर में राजकुमार उइके चौथे स्थान पर रहे। इसी तरह आदित्य सोनी, फैजान कुरैशी का सराहनीय प्रदर्शन रहा। इस चैंपियनशिप के पश्चात मध्य प्रदेश वेटलिफ्टिंग संघ की नवीन कार्यकारिणी के चुनाव हुए, जिसमें जिला संघ के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह बैस को प्रदेश वेटलिफ्टिंग संघ का उपाध्यक्ष चुना गया। टीम के कोच आकांक्षा कावले, गोविंद चौहान, मैनेजर अश्विन साहू, गणेश विश्वकर्मा, टीम की उपलब्धि पर जिला वेटलिफ्टिंग संघ के पदाधिकारी जावेद खान, विक्रांत अहिवार, राजन सिंह ठाकुर, अंकुश शुक्ला, सोनू सरस्वार, नीरज भरद्वाज, राजा बुनकर व अन्य खेल प्रेमियों ने हार्दिक बधाइयां दी। जिला वेटलिफ्टिंग संघ की ओर से जो कि 8 बच्चे इंदौर स्टेट खेलने गए थे, जिसमें से 2 को गोल्ड मेडल मिला है और 1 को ब्रॉन्ज मेडल मिला है। तो जिला वेटलिफ्टिंग संघ की ओर के मैं सभी को बधाई और शुभकामना देता हूं और इनके सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मध्य प्रदेश वेटलिफ्टिंग यूथ जूनियर सीनियर चैंपियनशिप का आयोजन इंदौर में मध्य प्रदेश वेटलिफ्टिंग संघ के द्वारा किया गया, जिसमें 21 जिला इकाइयों ने भाग लिया और 210 खिलाड़ी करीब उसमें पार्टिसिपेट किए। उसमें जिला वेटलिफ्टिंग संघ की ओर से उनका 8 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें 3 महिला और 5 पुरुष थे। पुरुष वर्ग का सराहनीय प्रदर्शन रहा, जिसमें अपना राजकुमार उइके 4th नंबर पर रहे और यश चौहान ये यूथ वर्ग में ये भी 4th स्थान पर रहे, मगर महिला वर्ग में पूजा तिवारी ने 64 वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इसी क्रम में मनीषा मंडरा ने 87 वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल प्राप्त किया और सबसे बड़ा अचीवमेंट अपना सुमन टांडेकर ने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया 59 केजी वेट कैटेगरी में। मगर इनके एक अचीवमेंट और है, इन्होंने अपनी बॉडी का हाउस वाइफ रहते हुए अपना 24 से 25 किलो वेट कम कर खिलाड़ी बनकर उभर के आई, ये बहुत बड़ा उपलब्धि है और इनको और इनके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी खिलाड़ियों को जिला वेटलिफ्टिंग संघ की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसके पश्चात वहाँ पर मध्य प्रदेश नवीन कार्यकारिणी का गठन हुआ, जिसमें हमारे जिले के वेटलिफ्टिंग संघ के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह बैस को प्रदेश कमेटी में उपाध्यक्ष पद पर नामित किया। उसके लिए भी उनको भी हार्दिक और पूरी टीम को खेल प्रेमियों और खेल संघ की ओर से, सभी विभिन्न खेल संघ की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं बताई। जिला संत रविदास समाज के नवनिर्मित सामुदायिक भवन का लोकार्पण कार्यक्रम आज जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू के मुख्य आतिथ्य में सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में संत रविदास समाज के सदस्य उपस्थित रहे।
राज्यसभा सांसद प्रकाश जावड़ेकर द्वारा प्रदत्त 18.5 लाख रुपए की राशि से निर्मित संत रविदास समाज के सामुदायिक भवन का उद्घाटन भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने रिबन काटकर किया और सभी को सामाजिक भवन निर्माण के लिए बधाई व शुभकामनाएं दी। उपस्थित है हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए और आगे कार्यक्रम की दुनिया को आगे बढ़ाने से पहले ये क्लियर करना चाहूँगा, सब लोगों का जो भ्रम होगा दिल से वो पूरा दूर करना चाहूँगा। आज हम इस भवन में खड़े हैं तो भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रकाश जावड़ेकर राज्यसभा सांसद प्रकाश जावड़ेकर जी की निधि से 18.5 लाख रुपये जो आया था उस राशि में समस्त स्वजातीय बंधुओं, मैं आज आप सभी को गुरु नानक जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथ ही साथ पिछले कई वर्षों से जो है भवन बनके तैयार हुआ है यह हमारे राज्यसभा सांसद प्रकाश जावड़ेकर जी की नीति से बनकर के तैयार हुआ था और ये इसलिए बना था कि संत रविदास भगवान के चाहे जयंती हो या अन्य सामाजिक कार्यक्रम कोई भी हो वो सुचारू रूप से चलते रहें, आपके यहाँ पर होते रहें। लेकिन बीच में कुछ अड़चने आई, भाई सेवती जी ने बताया हमको, अशोक भाई ने भी आकर के बताया, माइकल ने बताया, तो हम लोग प्रयास कर रहे थे कि ये समस्याएं जल्द से जल्द हल हो और ये भवन आप लोग को मिले। फिर मैंने अधिकारियों से बातचीत करा और आज यह भवन आपको समाज को मिल रहा है। भवन सिर्फ इसलिए ना रहा है कि कोई शादी ब्याह करना है या कोई किसी का बर्थडे मनाना है, जबकि भवन सामाजिक गतिविधि में भी रहे मुझे लगता है कि जो इसका अपने सभी को लाभ मिलेगा, क्योंकि बड़ी संख्या में हमारे संत रविदास अपने रविदास समाज के लोग यहाँ पर रहते हैं और कोई बहुत बड़े लोग बड़े परिवार के लोग नहीं हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं, तो उनको सबको जोड़ने की सामाजिक गतिविधि वहाँ होती रहे, समाज की बैठकें होती रहे। आज अगर यह भवन मिला है तो उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी है, अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं होती है, हमारे राज्यसभा सांसद प्रकाश जावड़ेकर जी नहीं होते तो मुझे लगता नहीं कि यहाँ कभी भवन बन पाता। बहुत बड़ी जगह है यहाँ पर, जैसा भी माइकल भाई ने कहा कि हम यहाँ पर आगे विस्तार कर सकते हैं, निश्चित तौर पर आप लोग का मार्गदर्शन रहेगा, साथ रहेगा, तो यहाँ पर हम बड़ा कुछ निर्माण कार्य करेंगे। आज हमारे खापाबाट में स्थित हमारे राज्यसभा सांसद सम्मानी प्रकाश जावड़ेकर जी की सांसद निधि से 18.5 लाख रुपये के इस नवनिर्मित संत रविदास भवन का हम सभी ने समाज स्वजातीय बंधु सामाजिक बंधुओं के साथ मिलकर के, सेवतीय जी हमारी पार्षद शिल्पा राकेश पाड़े जी, हमारे अशोक भाई और पूरे आज खापा वार्ड के रविदास समाज के सामाजिक बंधुओं के साथ मिलकर के हमने इस भवन का शुभारंभ किया है। यहाँ पर सामाजिक गतिविधियाँ चाहे समाज की बैठकें हों, समाज के कार्यक्रम हों या अन्य कोई धार्मिक आयोजन हो या अन्य कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या वैवाहिक कार्यक्रम हो या कोई मांगलिक कार्यक्रम हो, उसमें जो इसका भवन का लाभ मिलेगा। पिछले 2 वर्ष कोरोना में बीते, उसका 1 वर्ष में बहुत सारे कार्यक्रम होते थे, यहाँ के लोगों को परेशानी होती थी, साथ ही साथ खापाबाट क्षेत्र में रहने वाले अन्य जो समाज के लोग हैं उनके लिए भी यह भवन बहुत आवश्यक था, क्योंकि कोई कार्यक्रम होते हैं बारिश में नहीं कर पाते हैं, जगह की उपलब्धता नहीं होती या कोई बड़े लॉन में जाकर के नहीं कर सकते, तो यहाँ पर कर सकते हैं। तो आज हमने यहाँ भवन हस्तांतरित किए हैं, यहाँ इसको उद्घाटन किए, मैं संत रविदास समाज के सभी सदस्यों को बहुत बहुत शुक्राना बधाई। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व आज मनाया गया, जिसके तहत स्टेशन रोड स्थित बड़े गुरुद्वारे में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों के साथ गुरु के अटूट लंगर का आयोजन किया गया। स्टेशन रोड स्थित बड़े गुरुद्वारे में गुरु सिंह सभा द्वारा विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों के साथ गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व मनाया गया। इस अवसर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ साथ आमजन ने गुरुद्वारा पहुंचकर माथा टेका और गुरु का आशीर्वाद ग्रहण किया। इस दौरान सुबह से गुरुद्वारे में लंगर का आयोजन जारी रहा, जिसमें बड़ी संख्या में सिख समुदाय सहित अन्य लोगों ने प्रसाद ग्रहण कर पुण्य लाभ अर्जित किया।
खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। पहले पातशाही साहेब श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व बड़े ही धूमधाम से संगत द्वारा गुरुद्वारा सिंह सभा स्टेशन रोड छिंदवाड़ा मनाया जा रहा है। कमेटी की ओर से समस्त शहरवासी जिलेवासियों को लख लख बधाइयाँ हों। गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व सारे रल मिल के इकट्ठे होके मना रहे हैं। सुबह से गुरु का लंगर अटूट बरत रहा है। शब्द गायन व्याख्या पाठ सिमरन चल रहा है। सभी आएँ, सभी आमंत्रित हैं, सारे समाज के वर्ग आएँ और अपना जीवन सफल। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की समस्त नगरवासी जिलेवासी प्रदेशवासी देशवासियों को गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी छिंदवाड़ा की ओर से लख लख बधाई। विगत 27 अक्टूबर से श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व को मनाते हुए प्रभात फेरी के रूप में सुबह 5 बजे से 8 बजे तक प्रभात फेरी निकली। उसके बाद 6 तारीख को नगर कीर्तन निकाला गया शोभा यात्रा के रूप में। गुरु ग्रंथ साहिब जी की अगुवाई में, पंच प्यारे की अगुवाई में सभी समाज सभी धर्म के लोगों ने, मुस्लिम समाज, सिंधी समाज, जंगी समाज, हिंदू समाज, सभी समाज ने धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पंच प्यारों का स्वागत किया। और बड़ी अच्छी बात है, ये कौमी एकता की निशानी है कि सभी ने मिलजुल कर साथ दिया और मिलजुल कर गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व मनाया। गुरु नानक देव जी का एक ही नारा था कि लंगर कोई भूखा ना सोए। उन्होंने एक पंगत एक संगत का नारा लगाया और भेदभाव छुआछूत की को मिटाकर सबको एक साथ बिठाकर एक पंगत में लंगर छकाया। ऐसे ही हमारे गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की सभी नगरवासियों को फिर से बधाई। और हमारे बीच में विगत 2 दिनों से दिल्ली से बता रहे हुए भाई साहब भाई गुरप्रीत सिंह जी पंछी जो कीर्तन करने के लिए आए हुए हैं, वो अपने बहुत ही सुंदर संघर्ष की सुंदर कीर्तन सभी को निहाल कर रहे हैं और अपनी सेवा दे रहे हैं, सबका जीवन सफल कर रहे हैं। और हम और भी जिलेवासियों को नगरवासियों को आमंत्रित करते कि वो आएँ और अपना जीवन सफल करें। धन्यवाद। खबरों वक्त है छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहें सिटी हलचल। इंडिया के इस फेस्टिव सीजन में आइए मनाए त्योहार फिर से दिल से और घर ले आए नई हीरो, वो भी आकर्षक ऑफर्स के साथ। अब पाइए 2100 रुपए की नगद छूट, न्यूनतम डाउन पेमेंट 5,999, आज खरीदें पेमेंट करें 2023 में। स्कूटर्स के लिए लोन 0% ब्याज दर पर, कम ईएमआई,
शुरुआत 30 रुपए प्रति 1000 रुपए के लोन से। आधार कार्ड पर लोन और कैश ईएमआई। फेस्टिव कैश लाभ 2100 रुपए तक। एक्सचेंज लाभ 5000 रुपए तक। कैश डिस्काउंट 2100 रुपए एचएफडी लक्स पर। एक्सचेंज बोनस 3000 रुपए हीरो स्कूटर रेंज पर। कैश डिस्काउंट 2000 रुपए सुपर स्प्लेंडर पर। हीरो प्रीमियम रेंज पर 5000 रुपए का एक्सचेंज बोनस। सत्कार हीरो परासिया रोड छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर। लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लूरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज। शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। जिला पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन के तत्वाधान में आज से 2 दिवसीय जिला स्तरीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह द्वारा प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। जिला पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन WPC के सचिव गोविंद चौहान ने बताया कि 2 दिवसीय जिला स्तरीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन रेलवे इंस्टीट्यूट ग्राउंड छिंदवाड़ा में दिनांक 8 एवं 9 नवंबर को किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में बिलो 15 सब जूनियर, सीनियर एवं मास्टर और दिव्यांगजन महिला एवं पुरुष के बीच पावर लिफ्टिंग मैच सम्पन्न होगा। शुभारंभ अवसर पर पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह के साथ जिला पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन के पदाधिकारी सहित खिलाड़ी उपस्थित रहे। टीचर वो लोटा लोटा ध्यान लो। हर्षिता बादशाह स्कॉट रैक। एवं 9 नवंबर आने वाली 9 नवंबर को वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना है, जिसका शुभारंभ अभी मुख्य अतिथि द्वारा किया गया है। WPC वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग कांग्रेस की तरफ से ये एसोसिएशन ऑपरेट हुआ है और इसका मैच जो है पावर लिफ्टिंग का हर कैटेगरी का रखा गया है, जिसमें बिलो 15 से लेकर सब जूनियर, जूनियर, सीनियर और मास्टर, इसमें एक कैटेगरी और विकलांग दिव्यांगजनों के लिए भी रखी गई है। जो भी जिले भर के खिलाड़ी यहाँ पे आए हैं उन सभी का स्वागत है। हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि जो चंद्रवान जी हैं अभी बस शुभारंभ करके गए। सोमवार की देर रात चौरी व्रत के आबकारी अमले ने एक शराब तस्कर से 6 पेटी देशी मदिरा प्लेन और 1 दोपहिया वाहन जब्त किया। यह कार्रवाई सहायक आबकारी आयुक्त माधव सिंह को मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर की गई। सूचना मिली थी कि चांद थाना क्षेत्र के ग्राम परस गांव के पास मध्यरात्रि में शराब की तस्करी की जाएगी। सूचना के आधार पर चौरी व्रत के आबकारी अमला ने गश्त के दौरान छेड़े गए तलाशी अभियान के दौरान शराब तस्कर को धर दबोचा। इस कार्रवाई में आबकारी अमले ने उबेगांव निवासी अमीर पिता सत्तार खान को दोपहिया में देसी मदिरा प्लेन के 300 पाव की तस्करी करते पकड़ा। आरोपी के कब्जे से शराब तस्करी में प्रयुक्त दोपहिया भी जब्त की गई। जब्त सामग्री का बाजार मूल्य लगभग 46,000 है। आरोपी के खिलाफ मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। आरोपी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जेल रिमांड प्राप्त कर आरोपी को जेल भेजा गया। इस कार्रवाई के दौरान व्रत प्रभारी अर्चना घोरमारे, आरक्षक सचिन श्रीवास्तव और अशोक शर्मा उपस्थित थे। मामले की विवेचना जारी है।
10 नवंबर से 16 नवंबर तक 7 दिवसीय अखंड संगीतमय सीताराम संकीर्तन का आयोजन स्टेशन रोड स्थित दादाजी धुनी वाले मंदिर प्रांगण में किया जा रहा है, जिसको लेकर स्थल पर तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। श्री श्री 108 श्री बालकदास जी के सानिध्य में विगत कई दिनों से सीताराम संकीर्तन का आयोजन संपूर्ण जिले में किया जा रहा है। इसी क्रम में दादा दरबार समिति की मांग पर बालकदास जी द्वारा 10 नवंबर से 16 नवंबर तक 7 दिवसीय अखंड संगीत में सीताराम संकीर्तन का आयोजन दादाजी दरबार स्टेशन रोड छिंदवाड़ा में किया जा रहा है। इस हेतु श्री श्री 108 बालकदास जी की उपस्थिति में भूमि पूजन किया गया। दादा दरबार समिति के सदस्यगणों ने समस्त नगरवासियों से अपील की है कि इस 7 दिवसीय अखंड श्रीराम संकीर्तन में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर पुण्य लाभ लें। आप नर्मदे हर किया जाता है, जो छिंदवाड़ा में हमारे धुनी वाले दादा दरबार है चार फाटक के पास, वहाँ 7 दिवसीय सीताराम रखा गया है सभी जिलावासियों के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए, सभी बड़े बुजुर्गों सबके लिए। और जो भी हमारे 33 करोड़ की देवी देवताएं हैं वो अपने अपने आसन पे बैठ के राम राम का गुणगान सुनते हैं। उसमें जो हमारे जो जैसे भी हैं सभी लोग, उनको फल की प्राप्ति होती है। जो इधर उधर भटक रहे हैं, रास्ता को भटक गया हिंदू का, उनको उस मार्ग पे अपने लाने के प्रयास है। और हमारे जो गुरु महाराज हैं उनका कहना यही है कि राम ही केवल प्रेम आधारा, ठीक। अपन राम के नाम पे जब घर द्वार छोड़े हैं तो उन्हीं का काम अपने को करना है। तो अपना विनती ये है कि आप लोग 7 दिवस में रोज़ अपने अपने परिवार से कोई भी सदस्य आए, 1 घंटा 2 घंटा राम राम करे जब तक सीताराम चल रहा है। और जो दादाजी के प्रांगण में सूखा रूखा जो भी प्रसाद है वो आप ग्रहण करें, ठीक, आपका जीवन सफल होगा। और अटल ही विश्वास है, जय सीताराम नर्मदे हर। स्थानीय पूजा शिविर लॉन में 6 नवंबर से 12 नवंबर तक शिव महापुराण कथा का आयोजन किया गया, जिसमें चित्रकूट से पधारे बाल व्यास विवेक महाराज जी के द्वारा कथा प्रवचन किए जा रहे हैं। शिव शंभू परिवार द्वारा साहू समाज गांधीगंज के तत्वाधान में शिव महापुराण कथा का आयोजन किया गया है। शिव महापुराण कथा के तीसरे दिवस सती चरित्र की कथा सुनाई गई, जिसे सुनने के लिए भारी संख्या में भक्तों की भीड़ दिखाई दी। हो जाता है, कई लोग शिवाय नमः भी बोलते हैं। वैसे गृहस्थियों को शिवाय नमः ही अधिक बोलना चाहिए। शिवलिंग की सुंदर महिमा हमने कल सुनी और इससे हम अपने आप को जोड़ करके और साहब अपने जीवन को सफल बनाए। गंगा यमुना और सरस्वती जिसे त्रिवेणी संगम बोलते हैं, गंगा की धवल धारा यमुना की श्याम आभा दिखती है। कार्तिक पूर्णिमा पर महाराज अपने आप को, अपने जीवन को, अपने कुटुंबी जनों को इस कथा के माध्यम से उनके जीवन को सफल बनाए। परसों महाराज हमारे साहू परिवार ने सीखा कि महाराज सोना चांदी सब बेकार है ना, तो कल से सबने डुप्लीकेट पहनना शुरू कर दिया। तो बोले भैया असली तो बेकार है, कुछ काम धाम में तो आता नहीं, तो चलो फिर बोलो ओम नमः शिवाय। शिव की पूजा के कई विधियां हैं। आप महाराज सोने के शिव बना सकते हो, चांदी के पार्थिव। शिवलिंग में 12 अंगुल का लिंग उत्तम माना गया है। अच्छा, पूजा किसी करनी चाहिए, शिव के निराकार विग्रह की या साकार विग्रह की? दोनों विग्रहों की पूजा करनी चाहिए। शिव की पिंडी की भी पूजा का महत्व है और शिव के या जो श्री विग्रह है इसकी भी पूजा का बड़ा महत्व है। भगवान का यह जो ओम मंत्र है यह भगवान के 55 मुखों। हजरत बाबा मोहम्मद हनीफ शाह के 32वें सालाना उर्स के मौके पर 7 नवंबर की रात शानदार कव्वाली का प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें देश के मशहूर कव्वालों ने अपने कलाम प्रस्तुत किए। बाबा हनीफ शाह के उर्स के मौके पर आयोजित कव्वाली के प्रोग्राम में मशहूर कव्वाल रईस अनीस साबरी गाजियाबाद यूपी व बादशाह कादरी कटवाल मुंबई के द्वारा कव्वालियां प्रस्तुत की गई, जिसका देर रात तक उपस्थित जनसमुदाय ने आनंद लिया। Oh,
शहाने मुस्तफा की नजर ये चार मिसरे कर रहा हूँ तू ही बस एक झलक ने मूसा को बेहोश कर दिया तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के अंतर्गत जिला स्तरीय पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का हुआ आयोजन, प्रभारी मंत्री ने उत्कृष्ट कार्यों के लिए अधिकारियों को किया सम्मानित। इंदौर में आयोजित मध्य प्रदेश वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में जिले के खिलाड़ियों ने लहराया परचम, महिला लिफ्टरों ने गोल्ड मेडल सहित ब्रॉन्ज मेडल जीता। राज्यसभा सांसद प्रकाश जावड़ेकर द्वारा प्रदत्त राशि से निर्मित संत रविदास समाज के सामुदायिक भवन का हुआ लोकार्पण, बड़ी संख्या में शामिल हुए सामाजिक सदस्य। और गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर बड़े गुरुद्वारे में लगा श्रद्धालुओं का तांता, माथा टेक कर लिया आशीर्वाद, गुरु के अटूट लंगर में ग्रहण किया प्रसाद। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही, नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।